नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश तिवारी और हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य संजीवानंद जी अवधूत। कैसा चल रहा है प्रयागराज? प्रयागराज यहाँ मैं बहुत दिन से हूँ, आते जाते आता हूँ। पिछले साल की अपेक्षा इस बार की व्यवस्था बहुत अच्छी है और स्वच्छ सफाई अच्छा है। एक्चुअली यहाँ त्रिवेणी लोग करते हैं। एक्चुअली त्रिवेणी का मतलब होता है अपने शरीर के अंदर त्रिवेणी है, पीला पीला और सुकुन्ना जहाँ मिलता है उसको त्रिवेणी बोलते हैं। तो ये एक्सटर्नल है, लेकिन मेन चीज इंटरनल चीज होता है जो कि साधना के द्वारा हम उसको प्राप्त करते हैं। इसी के लिए हम लोग सब जगह घूमते हैं, मिलते हैं और बातचीत करते हैं, विचार लेते हैं, फिर अपनी जो रियल चीज़ है उस चीज़ के बारे में हम लोग बताते हैं। लोग यहाँ साधना संतों को लेकर हाल में जो घटनाक्रम सामने आए हैं, तो आपको लगता है कि उससे संत समाज को लेकर कुछ लोगों के मन में किसी निराशा का? देखिए, ये मानव वृत्ति है, जीव की वृत्ति है, किसी साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए वृत्तियों से तो ऊपर नहीं हो सकता है, लेकिन वृत्तियों को कैसे नियंत्रण करेंगे? यदि उसके पास साधना पद्धति नहीं है तो आगे नहीं बढ़ सकता। ये स्थिति तभी आती है जब उसके पास साधना सही रहता है। इसलिए यम नियम जो अष्टांग योग का मेन चीज है उसको यदि ठीक से पालन करें, जिससे कि जो मनोवृत्ति है उससे हम निजात पा सकते हैं और उसे पा सकते हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो प्रयागराज कुंभ में भी साधु संगतियाँ इकट्ठे हुए हैं तो उनसे चर्चा में आएगा, राम मंदिर निर्माण का आपका क्या मानना है? देखिए, ये अपनी सेंटिमेंट की बात है। एक्चुअली राम के बारे में तो मैथमेटिकल है, लेकिन राम का अर्थ सही है, रमन्ते योगी नाम जैसा राम, जो अपने अंदर में रमन करता है, हमेशा परमात्मा के भाव में रहता है, ब्रह्मलीन में रहता है, वही राम है। और मंदिर ये हमारा शरीर, शरीर को ही स्वच्छ रखेंगे तभी वो मंदिर अंदर बनाना है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।